एथर के 450S और X के बाद अब एक फैमिली स्कूटर एथर भारत में लेकर आ चुका है जिसका नाम है एथर रिस्ता। अब ये जो स्कूटर देख रहे हो कंपनी कह रही है कि फैमिली स्कूटर है भाई, बड़ी सीट दे दी है, भरपूर स्पेस दे दिया है, मतलब देखा जाए यूटिलिटी वाइज इस स्कूटर में काफ़ी बढ़िया कंपनी ने काम किया है। रिस्ता S और रिस्ता Z ये दो वेरियंट्स में आता है, लेकिन जो Z वाला है उसमें आपको छोटा बैटरी पैक बड़ा बैटरी पैक दोनों ही मिल जाता है। और जो रेंज कंपनी क्लेम करती है, देखो कंपनी तो क्लेम करती है जो बड़ा वाला बैटरी पैक है, जो 3.7 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक है उसके लिए कंपनी क्लेम करती है 160 किलोमीटर सिंगल चार्ज पर रेंज, लेकिन वो आपको देता है 125 किलोमीटर की रेंज IDC यानी कि जो रियल वर्ल्ड कंडीशन है उसके हिसाब से। अब देखो इस स्कूटर में खास क्या मिलता है, देखो सबसे पहले हम लुक्स और डिज़ाइन से शुरू करते हैं। तो अगर आप इस स्कूटर को साइड से देखेंगे तो ऑब्वियसली बात है काफ़ी बड़ा, काफ़ी ह्यूज नज़र आएगा। अब जितने भी पैनल्स कंपनी ने यहाँ पर दिए हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाले दिए हैं, नो डाउट आपको पहली नज़र में ही पसंद आएगा। इनफैक्ट अगर आप टच वगैरह करते हैं तो वहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और रियर प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो यार यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रॉपर जिस तरीके से कनेक्टेड लाइट्स आपने गाड़ियों में देखी है वैसे ही वो आपको स्कूटर में भी मिलने वाली है, जो कि आप यहाँ पर टेल लाइट में देख सकते हैं। अब यहाँ पर एथर लिखा हुआ है और रिस्ता का जो बैच है वो आपको साइड में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। वेरिएंट कौन सा है वो भी आपको पता चल जाएगा। सीट यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसा कि बताया कि सबसे बड़ी सीट अभी तक किसी स्कूटर में ऑफर की जा रही है तो वो भाई एथर के रिस्ता में है, और ये 900 mm की सीट है। साथ ही यहाँ पर आपको बैकरेस्ट भी मिल जाता है, जिसके चलते अगर आप दो लोग बैठ रहे हैं और भरपूर सामान जो पिलियन राइडर है उसने पकड़ा हुआ है तो उसके लिए यहाँ पर बैकरेस्ट मिल जाता है। लेकिन अगर इस स्कूटर को यूपी या बिहार वगैरह में अगर आप देखेंगे ना तो ऑब्वियसली बात है इस पर दो लोग क्या तीन चार भी इजिली बैठते हुए दिखाई देंगे। खैर ये तो होगी मजाक की बात, अब थोड़ा सा सीरियस रूट पे आते हैं। अब फ्रंट लुक देखो, फ्रंट लुक अगर आप देखते हैं तो ऑब्वियसली बात है एथर के जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आपने देखे हैं, चाहे वो एक्स देखा है एस देखा है, उनसे बिल्कुल हटकर है। यहाँ पर देखो काफ़ी ब्रॉड एप्रोन आपको देखने को मिल जाता है, LED हेडलाइट्स आपको मिल जाती है। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर इंडिकेटर मिल जाता है, DRL इधर देखने को मिलता है, और काफ़ी बढ़िया अगर आप यहाँ पर इंटीग्रेशन देखेंगे खासकर जो पैनल्स का है बिल्कुल भी गैप नहीं है, फिट एंड फिनिश टॉप नॉच है। यहाँ पर आप देखते हैं जो मडगार्ड है वो भी आपको काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग में देखने को मिल जाता है। कलर स्कीम अगर आप देखते हैं तो बेसिकली ये डुअल टोन कलर में है, तो कंपनी 3 मोनोटोन और 4 डुअल टोन कलर ऑफर कर रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डुअल टोन में वाइट के साथ ये ब्लू, और डुअल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को आपको मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क मिलता है, अलॉय व्हील का जो डिज़ाइन है वो भी आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। अब ये जो स्कूटर है बेसिकली इसमें जो बैटरी पैक है ऑब्वियसली बात है उसकी सेफ्टी के लिए कंपनी ने एल्यूमिनियम केस के अंदर उस बैटरी पैक को रखा गया है, IP67 रेटेड है, और इस स्कूटर में भरपूर फीचर्स दिए हैं। अब बारी बारी हम फीचर्स की बात करते हैं, तो फीचर्स अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको 7 इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है जो कि आपको काफ़ी बढ़िया मिलता है, कलर है पूरी तरह, और इसमें आपको दो मोड्स मिल जाते हैं, एक स्मार्ट इको और जी, ये दो राइड मोड्स आप यहां पर देख सकते हैं। स्मार्ट इको में बेसिकली ये जो स्कूटर है कंपनी क्लेम करती है कि 18% आपको अतिरिक्त रेंज ऑफर करती है, और जी में आपको जितना भी फन चाहिए स्कूटर से चलाने के दौरान वो आपको इजीली मिल जाता है। ये जो स्क्रीन है इस स्क्रीन पर आपको तमाम जानकारियां तो मिल जाती है, चाहे वो रेंज से रिलेटेड हो, ऑडोमीटर से रिलेटेड हो, लेकिन आपको जो प्रो पैक देखने को मिलता है जिसके लिए आपको अतिरिक्त पैसे खर्च करने पड़ते हैं उसके ज़रिए आप इस स्कूटर में कनेक्टेड फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने स्मार्टफोन में भी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं कि जितने भी स्टैटिस्टिक्स यानी कि आप किस तरीके से इस स्कूटर को चला रहे हैं, किस हिसाब से चलाना चाहिए नहीं चलाना चाहिए वो सारी जानकारियाँ तो आपको देखने को मिल जाती हैं। साथ ही साथ व्हाट्सएप फीचर्स वगैरह भी आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, और जो नेविगेशन है उसका तो काम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, आप नेविगेशन तो देख ही सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको किसी को लोकेशन शेयर करनी है तो वो भी आप इजीली यहां पर इन स्विचेस के जरिए टॉगल करके कर सकते हैं। खैर ये सारी चीज़ें हम आपको एक एक करके समझाएंगे जब हम इस स्कूटर का रिव्यू करेंगे। अब बात कर लेते हैं यूटिलिटी की, तो देखो अभी आप यहां पर देख रहे हैं तो यहाँ पर फ्रंट में आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप अतिरिक्त मतलब ऑब्वियसली बात है थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च करके यहाँ पर अतिरिक्त 22 लीटर का स्टोरेज स्पेस भी हासिल कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर जो बूट स्पेस है यहाँ आपको 34 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी डीप है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक छोटा सा स्टोरेज स्पेस मिल जाता है जिसमें आप अपना मोबाइल या कोई गंदा कपड़ा या कुछ भी मतलब छोटी मोटी चीज़ें आप यहाँ पर रख सकते हैं। बाकी जो बड़ा बूट स्पेस है इसमें ऑब्वियसली बात है फुल साइज हेलमेट इजली आ जाएगा, और बाकी तमाम जो चीज़ें हैं जो ग्रॉसरीज वगैरह
सब्जियां वगैरह वो आप रखना चाहते हो वो आप इजीली यहाँ पर रख सकते हैं। बाकी हेलमेट जो कि कंपनी एक हेलमेट ऑफर कर रही है, हेलो हेलमेट, अगर वो आप इस स्कूटर के साथ खरीदते हैं तो ऑब्वियसली बात है उसे आप यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। और इसी के साथ एक स्मार्ट चार्जर भी ऑफर किया जा रहा है जो कि मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए बढ़िया है, यानी कि अगर आपको अपना स्मार्टफोन चार्ज करना है, टैबलेट चार्ज करना है या लैपटॉप चार्ज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी बूट में यहाँ पर बूट लाइट आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो स्कूटर की जो सीट है जिस हिसाब से इतनी ब्रॉड ये सीट है तो उतनी ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी नज़र आ रही है, लेकिन चलाने के दौरान ये कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल होगी वो ऑब्वियसली बात है जब हम रिव्यू करेंगे तब आपको डिटेल में समझा ही देंगे। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस आप देख सकते हैं कि किस लेवल का आपको यहाँ पर मिल जाता है। और स्कूटर का जो वज़न है 118 किलोग्राम है, तो ऐसे में जो शॉर्ट हाइट वाले जो राइडर्स हैं जिनको कम वेट वाला स्कूटर चलाना ज़्यादा पसंद है तो उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन इस स्कूटर का जैसे कंपनी बोल रही है कि बैलेंस काफ़ी अच्छा है लो स्पीड पर, तो ऐसे में अगर आप लो स्पीड पर इस स्कूटर को चला रहे होंगे तो वहाँ पर ये आपको काफ़ी अच्छा काफ़ी बढ़िया बैलेंस देता हुआ नज़र आएगा। बाकी इस स्कूटर में फ़िलहाल इतना ही, कीमतों को लेकर बात कर लेते हैं। जो रिज़्दा एस है उसकी जो कीमत है कंपनी ने रखी है 110,000 रुपये। रिज़्दा जेड जो कि 2.7 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ आता है उसकी कीमत रखी है कंपनी ने 125,000 रुपये। और जो रिज़्दा जेड 3.7 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है उसकी कीमत कंपनी ने रखी है 145,000 रुपये एक्चुअली। बाकी आप बताओ आपको एथर का नया फैमिली स्कूटर रिज़्दा एस या रिज़्दा जेड कैसा लगा नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।